भी ना क्या हीरो बनने से बारिश में भी। अरे बेटा बाहर खड़े होके भीग रहे थे, अंदर आ जाते ना। ये रुक। नहीं आंटी, आपके घर में बाढ़ आ जाती क्लिनिक की तरह। ओ, मुझे आपसे इस बारे में। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक काम करो, तुम लोग अंदर बैठ के बात करो, मैं रियांश के लिए सूखे कपड़े लेके आता हूँ। हाँ मैं कॉफी बना के लाती हूँ, बैठो। आइए। हाँ चलिए। रियांश क्या कर रहे हैं? मम्मी डाली आई। क्या बात है, बड़ी चमक रही है। सारी गंदगी साफ कर दी क्लिनिक की तरह। आपने पी रखी है? चिंता मत करो, सब कुछ सोच समझ के बोलूंगा, तोल मोल के, एकदम नाप के। मेरी मम्मी डैडी से इतना सोच समझ के बात करेंगे? सब कुछ हार चुका हूँ, एक आखिरी दांव खेलना चाहता हूँ। बहुत गीले हो गए हैं, एक सेकेंड। बड़ी खूबसूरत लग रही हो, किसी धोखे की तरह। आपको तो ठीक से तारीफ करना भी नहीं आता, धोखे की तरह नहीं सपने की तरह। बहुत कुछ सीख रहा हूँ तुमसे। कल तुम्हारा इतलाल क्यों? हार्ट बीट इतनी फास्ट है। क्यों डर लग रहा है? रियांश पहली बार मैं किसी के लिए यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा, इसके पहले कहाँ तक पहुंची हो? रियांश आप मुझे नर्वस कर रहे। रियांश मतलब अपनी मम्मी डैडी से आपको किसी को मिलवाना, उनसे कहना कि मैंने आपको चुना है। लो कॉफी लो। नहीं आंटी कॉफी नहीं पीनी। अरे रियांश आप कॉफी पी लो और सूखे कपड़े लाए हैं मैंने तो वो पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। हाँ आप कपड़े चेंज कर लो, तब तक मैं कचौड़ी लेके आती हूँ। आंटी कचौड़ी नहीं खाऊंगा, आज सिर्फ आराधना को लेने आया। वो क्या है ना, आज ऑफिस में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। कौन सी अनाउंसमेंट, मुझे भी बताएगा कोई इस बारे में? तो मैं सब बताऊंगा, अंकल आंटी को भी बताऊंगा, सबको पता चलेगा कि तुम्हारे करियर में कितना बड़ा उछाल आने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। करियर? रियांश आपने तो कहा था कि आप हम दोनों की मतलब हमारे बारे में। वो भी करूंगा, सब करूंगा। अंकल आंटी आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है सबके सामने, ऑफिस में स्टाफ के सामने, एम्प्लॉयज के सामने। सो मैं आराधना को ले जाऊं? हाँ बट लेकिन बाहर तूफान है, बारिश हो रही है तो। मैं हूं ना अंकल, मैं कुछ छोड़ूंगा इसको। और वैसे भी कोई भी तूफान आराधना का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक मैं हूं। चलें सर। या चलो मम्मा मैं आती हूँ। ठीक ओके। ए टॉल। ओह हाँ सॉरी। आल्सी चुप। आप तो मम्मी डैडी से हमारे बारे में बात करने वाले थे, क्या हुआ मन बदल गया? नहीं मेरा मन तो बहुत पक्का हो गया, देखती जाओ आगे क्या क्या होता है। बस बस आराम से, रोड गीली है फिसल जाओगे। पहले ही फिसल चुका हूँ। हाँ आज तो मैं एक नया गाना सुनाता हूँ, ये गाना है मिस कादम्बी देवी जी का। पहले यह गाना मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे उस गाने की सही मीनिंग समझ में आ रही। आप तो पूरे दीवाने हो गए हो। पूरा का पूरा फमान, तुमने मुझे दीवाना बना दिया, तुम्हारे प्यार में पागल हो गया, एकदम पागल। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओगे? अरे इंटीमेट मोमेंट चल रहा है भाई। कहाँ? मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान पे आई थी, कुछ सामान लेना था।
देखिए लड़कियों की फितरत होती है, जब कोई नया आता है वो पुराने वाले को बताती है, तू नया है मैं पुराना हूँ। गाइस, सब लोग इधर आओ, मुझे आप लोग से कुछ बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। कम 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 एवरीवन कम गाइस। सब आ गए एवरीबॉडी? ओके देन। सो गाइस, हम न्यूज भेजते हैं सबसे तेज सबसे सही, लेकिन आज तुम्हारा बॉस एक खुद न्यूज बन गया। एक्चुअली तुम्हारा बॉस एक खुद विक्टिम बन गया है। मेरे साथ बिग हैरेसमेंट हुई, एक्चुअली बिग हैरेसमेंट नहीं, मुझे हैरेस किया गया। हैशटैग मी टू। रे, यू कांट बी सीरियस, क्या इल्जाम लगा रहा है? एलिगेशन नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। प्रमोशन के लिए इस लड़की ने मुझे यूज किया, मुझे गलत तरीके से छुआ। रे, तो बताइए अब ये मर्द कहां जाए, किसके पास दुआई लेके जाए, कौन देगा मुझको इंसाफ, कौन हूं? एक्चुअली इस ऑफिस में मुझे लगा सब सेफ है, बॉस ही सेफ नहीं है। इनफ इज इनफ रे, तू कैसे किसी लड़की की इज्जत के साथ? और मेरी इज्जत का क्या हुआ, जो उसने मेरी इज्जत से खेला वो? ये क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? ये आपके आपके ऐसे बातें मजाक का सबको समझ में नहीं आते, सब सब नहीं समझते आप क्या कर रहे हैं। मैं भी छुआ था तो मेरे साथ भी कंप्लेन हुई थी, अब कोई मेरे लिए भी लड़े भाई, मैं मर्दू कोई लड़ेगा नहीं मेरे लिए। मैडम आराम से रिलैक्स, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो ये सब? देखा आप लोगों ने, एक औरत की असलियत, अब कौन करेगा मेरे लिए इंसाफ? अरे भाई कोई मेरी भी कंप्लेन लिखो, हम मर्द है तो हमारी कोई कंप्लेन नहीं सुनेगा क्या? बताओ कंप्लेन लिखी जाए, एक मर्द को न्याय चाहिए। विक्रम इसे अंदर लेकर जाओ। नहीं नहीं, तो मैं चार में हो ना, मैं रिपोर्ट लिखो। नहीं नहीं रे, चल रे प्लीज। Get to work everybody, I said back to work. So sorry. चलो चलो। क्या तमाशा किया तूने बाहर? एक इनोसेंट लड़की पर कैसे इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकता है तू? मेरे पास प्रूफ है, देखना चाहोगी? ये क्या बकवास है, बंद कर ये सब। अरे देखते हैं तेरे दोस्त के साथ क्या हुआ है। टीवी बंद कर। सुबह से एचआर अपनी आंखों से देख लिया क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ? इस लड़की ने मेरा फायदा उठाया, मुझे यूज किया और गलत तरीके से छुआ है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब?
आपने मुझसे कहा था कि आप डिलीट कर देंगे, क्यों नहीं किया रे आज? ये क्या है ये सब? थप्पड़ मारा था तूने मुझे यहीं पर इसी ऑफिस में सबके सामने, थप्पड़ याद है? इसका मतलब आपने ये सब कुछ मुझे बदला लेने के लिए किया? सुनैना, प्लीज टेक सम एक्शन. क्या सोचा था मैंने? इस आदमी के अंदर जितना जहर उसे ठीक कर दूंगी. इसने हमें रिकॉर्ड की कैमरे लगा के रखे, बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था. इज अ टॉक्सिक मैन. क्यों हो जाती है लड़कियां प्यार में अंधी? क्यों नहीं पहचान पाई मैं? क्यों नहीं देखा मुझे कि ये क्या है? तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी पूरी जिंदगी. क्या तमाशा खड़ा कर दिया रे? इसमें वीडियो है, इसकी कोई भी कॉपी नहीं है. जितना दिखाना था दिखा दिया. इसे डिस्ट्रॉय करो. मिस हनी, यहाँ पर भी रोकर नाटक कर रही हो. अपना आईडी कार्ड और अपने बैज सबमिट करवा दीजिएगा. और आज तो वैसे भी फ्राइडे भी नहीं है, जो मैं तुम्हें मंडे तक ही मोहलत दूंगा. सुना है ना, इसकी सैलरी क्लियर कर दो. स्टॉप इट रे. इतनी ठेस पहुंची आपके ईगो को? ऐसे बदला प्लान किया आपने? आपकी वो स्माइल, आपकी दोस्ती, आपकी अंगूठी, वो अंगूठी रे यार, हम तो शादी करने वाले थे ना. मिस सानी, इस ऑफिस का प्यून भी जानता है कि शादी से मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है. तुम जानती हो ना, तुमने मेरे माँ बाप की शादी देखी है. उनका बेटा होते हुए मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं शादी में बिलीव करूँ. मुझे सबने कहा था, कदम भी देवी ने भी कहा था कि रियांश से दिल मतलब. लेकिन तुमने क्या किया जो हर एक लड़की करती है? चलो इससे प्यार करते हैं और जब टाइम मिलेगा अपने हिसाब से उसे फिक्स कर देंगे. मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं हूं, गलत खेल गई हैं आप. तो है ना विक्रम, बचाओ मुझे इससे. श्री, व्हाट आर यू डूइंग? बिहेव योरसेल्फ. मर्द करे तो उसे जेल भेज दो और लड़की करे तो कुछ नहीं. ऐसा कमाल का खेल खेलती है औरत. हमारे साथ, हमारे इमोशंस के साथ. इट्स नॉट अ गेम मैम. थैंक यू, मैं कोई खिलौना नहीं हूं. इस लड़की ने जो मेरे साथ किया उसके लिए इसे सजा दीजिए. सानी, आउट ऑफ माय ऑफिस. बेटा राधी, कब तक आएगी तू? अरे आज तुझे लेने आया था तो तेरे साथ भी आएगा ना, यहाँ उसकी मटर की कचौरी. बात पे बात. आराधना, जो हुआ उसके लिए मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं. आपको मुझे निकालने की जरूरत नहीं है. आई क्विट. अपना रेजिग्नेशन आपको भेज कर. मुझे हैरेस किया गया. हैशटैग मी टू. और लड़की करे तो कुछ नहीं. ऐसा कमाल का खेल खेलती है औरत. ऐसे स्माइल करते हैं ऐसे. हमेशा मेरे साथ रहोगे ना?
तो मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? कभी। मैंने आपको कितना चाहा रियाज, आप पे भरोसा किया, आपसे मोहब्बत की, और आपने मेरे भरोसे को छुटला दिया। आपके अंदर के दर्द को मैंने महसूस किया रियाज, आपको समझा, मैंने प्यार निभाया, पर आपने आपने सिर्फ नफरत निभाई रियाज। आपने मेरा सिर्फ दिल नहीं तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है। और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना, वो मेरे लिए प्यार था, पवित्र था, पर आपके लिए सिर्फ बदला, सब झूठ। तालिया तालिया, व्हाट अ परफॉर्मेंस। कुछ करेगा नहीं, तेरे दोस्त की इज्जत पे हाथ डाला उसने। करूंगा ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, ये उसके सामने कर जो तुझे जानता नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा एक सिरफिरा इंसान ही ये कांड कर सकता है। क्या मिला तुझे ये सब करके? हाँ, तूने उस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी यार। कुछ बर्बाद नहीं होगी, इतनी आसानी से उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, बहुत पहुंची हुई चीज है वो। कुछ उसकी लाइफ बर्बाद नहीं होगी, किसी और को बेवकूफ बना लेगी, बहुत चाहने वाले हैं उसके, लाइन में लगे हुए। अब समझा, फिर से तूने अपने मन में कोई कहानी बना ली ना, इसलिए तू जल रहा है। क्या मिला तुझे रे, ये सब करके तुझे क्या मिला? कल तक तू उसके लिए एक अंगूठी ढूंढ रहा था यार, और आज? समझ लो, समझ ना। क्या आराधना इज राइट, तूने ये सब प्लान किया, तू सरपेरा है, पर तू इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है कि तू एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करे यार। बताना ब्रो, क्या था ये सब, जलन, गुस्सा, ईगो, या उसने तुझ पे केस किया और आज तुझे ये मौका मिला? या तू है ही इतना गिरावा और इसलिए तुझे ये मौका मिला ये सब करने का? समझ लो, समझना। समझ गया, बचपन से मैं समझते आ रहा हूँ, तेरी मॉम ने तुझे प्यार नहीं किया, यू डिजर्वड इट। बचपन से तेरे कोई दोस्त नहीं रहे ना, यू डिजर्वड इट। बचपन से तू अंधेरों से लड़ते आ रहा ना, यू डिजर्वड इट। मैं भी तेरा दोस्त आदत से हूँ, क्योंकि तेरे डैड ने मुझ पे इतना एहसान किया है। बोल बोल और बोल, अच्छा लग रहा है सच सुन के। सच कड़वा होता है, लेकिन उसकी झूठ से काफी अच्छा है। गई थी अपने एक्स के साथ होटल के रूम में, मायंग के साथ होटल के रूम में, मुझे झूठ बोल के। तूने उससे पूछा? हाँ पूछा था, उसने कहा मैं अपने डैड के साथ हूँ। चीटिंग ऑन मी। तूने उससे पूछा? मुझे किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे औरतों की फितरत पता है। सही कह रहा है तू, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, जा जल अपनी आग में। जल चुका हूं, आ जाना मेरी 13वीं पे। अरे सानी साहब, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.